किशोर महतो। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी को देखा, गुजरात के दौरे पे हैं। ऑटो चालक मतलब ऑटो में केजरीवाल जी सफर कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने ऑटो को रोक लिया। समझ रहे हैं कि जंगल राज की स्थापना हिंदुस्तान लेवल पे हो चुकी है। ये जंगल राज ही नहीं, इसको कहे के भाजपा का महाजंगल राज पूरे देश में चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि कहीं कोई विपक्षी पार्टी हमसे आगे ना आ जाए, कहीं हमसे सत्ता छीन ना ले। ऐसा हाल कभी भी देखने को नहीं मिला है। अब यह समझने की जरूरत है कि आखिर बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन इतनी डरपोक पार्टी शायद दुनिया भर में कोई भी नहीं हो सकती है, जो हर विपक्षी पार्टी को खत्म करने के लिए, उनके प्रोग्राम खत्म करने के लिए, उनकी रैलियां खत्म करने के लिए, उनको जो फंडिंग करता है उसके यहां सीबीआई ईडी का छापा मार के, ताकि वो विपक्षी पार्टियों को फंडिंग ना कर सके। ये इससे कोई घिनौना काम कोई हो सकता है क्या? अब आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी कितनी घटिया किस्म की, कितनी घटिया मानसिकता की पार्टी है। सिर्फ हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टी शर्ट के ऊपर उसने टी शर्ट पहन लिया तो पूरे भाजपाइयों को मिर्ची लगने लग गई, यहां तक प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सबको मिर्ची लगने लग गई। यानी ये 24 घंटा कौन सा काम करते हैं पता है? विपक्ष ने क्या खाया, क्या पहना, कहां गए, ये मतलब करने में लगे हुए हैं। और मीडिया वाले बोलते हैं कि पूरे 18 घंटे तक मोदी जी काम करते हैं। 18 घंटे तक मोदी जी सिर्फ विपक्ष के नेताओं की वीडियो देखते रहते हैं और उनमें कोई पॉइंट ढूंढते रहते हैं, ये काम करते रहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। एक बात तो तय है कि जिस घबराहट से मोदी जी टी शर्ट के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, स्मृति ईरानी का भी टिप्पणी देखा के एक ध्यान से मेरे उतर गया है कि वो उनकी परिक्रमा नहीं की, लेकिन वहां पहुंचे थे राहुल गांधी जी विवेकानंद की। तो ये झूठ की खेती यदि देश के अंदर कोई करता है तो स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नीचे से ऊपर तक के छोटे बड़े सभी लीडर सिर्फ इस देश को गुमराह करने का काम करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 के लिए माननीय प्रधानमंत्री को भी पता चल गया है, माननीय गृह मंत्री को भी पता चल गया है कि हम जाने वाले हैं। और मैं लास्ट में एक बात कह रहा हूं, दिया जानते हैं ना, दीप के अंदर जब तेल खत्म हो जाता है ना तो उसकी रोशनी बढ़ जाती है, काफी प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का तेल खत्म हो गया है, रोशनी उसके दीप की खत्म हो गई है। इसीलिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और विपक्षी पार्टियों को तोड़ मोड़ के खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये असंभव है क्योंकि पक्ष और विपक्ष जब से ये संसार बना है तब से रहा है, कोई दुनिया की ताकत नहीं खत्म कर सकती है। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी की विदाई तय हो गई है, ऐसा उनको भी आभास हो चुका है, इसलिए ये घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।